मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की कवायद ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी लगातार मेडिकल ग्राउंड पर यूपी पुलिस के दावों का रास्ता निकालने में सफल होते रहे हैं, लेकिन इस बार योगी सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। इसी क्रम में गाजीपुर पुलिस की एक खास टीम पंजाब रवाना हो चुकी है। आइए आपको विस्तार से इस मामले की जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि पंजाब से जुड़े एक रंगदारी के मामले में मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद हैं। यूपी पुलिस पेशी के लिए बार बार मुख्तार को प्रदेश में लाने की कोशिश में है, लेकिन हर बार नतीजा सिफर ही रहता है। इस बार मुख्तार को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद ले ली गई है। यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल के अधीक्षक को नोटिस जारी कर दिया है। इस बार यूपी पुलिस कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसी को देखते हुए रोपड़ जेल अधीक्षक को ये नोटिस हैंड डिलीवर करने की योजना बनाई गई है। इस खास काम के लिए गाजीपुर पुलिस को 280 टीम पंजाब रवाना भी हो चुकी है। मुख्तार पर अवैध असलहों का एक मामला मोहम्मदाबाद में दर्ज है। इस मामले में कोर्ट में उनकी पेशी करानी है। कोर्ट में विचाराधीन मामलों के लिए गाजीपुर ही नहीं बल्कि आजमगढ़ पुलिस ने भी कई प्रयास किए। हर बार मुख्तार मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बच निकलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पंजाब सरकार की तरफ से भी मुख्तार को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यह देखना अब रोचक होगा कि रोपड़ जेल अधीक्षक सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का क्या जवाब देते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।